दोस्तों पहले आप साइड में देखो, हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनका कार्ड अप्रूव हुआ है। कम उम्र में ही उनका कार्ड अप्रूव हो गया है। बैंक ने सामने से उन्हें कार्ड दिया है और वो अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं और उनका पूरा ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं साइड में। तो जो लोग बोलते थे कि भाई प्री अप्रूव किसी को मिल रहा है उसका प्रूफ दिखाओ, तो दोस्तों आप लोग बोलोगे तो हमें उसका करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो मैंने आज इस वीडियो में बात किया है उनसे, क्या उन्होंने बताया अपने बारे में, कैसे कार्ड मिला उनको। तो ये पूरा डिटेल्स आपको इस हमारे उनके कॉल पे बातचीत हुई है उससे आप पहले पूरा सुनिए तो आपको मालूम पड़ेगा। और विनती है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और इसे पूरी जरूर सुन लेना, इससे आपको एक नॉलेज मिलने वाला है। तो आपसे स्टार्ट कीजिए। हेलो, हेलो बताइए। हाँ हाँ बताइए। सर, मुझे बैंक की तरफ से कॉल हाँ, तो आपको ये प्री आया अप्रूव और मिला है या फिर आपने इस कार्ड को अप्लाई करके लिया था? था। मुझे उनकी तरफ से जब वो कार्ड स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ ना वो बैंक का 19 तारीख को, तो हाँ वो मैनेजर साहब ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बोला आपको कार्ड लेना है क्या, आपको कार्ड अप्रूव हुआ है, जी आप लेना चाहते हो तो मुझे बस आपका एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी लगेगा। तो मैंने वो बता दिया, उन्होंने वो फिर वो प्रोसेस कर दी और वो जो मुझे एक 24 घंटे के बाद एक मेल मिला वो मैंने आपको सेंड किया है। जी जी देखा मैंने। हाँ, उसके बाद 2-3 आज कल को मेरे को एक मेल रिसीव हुआ, वो मैंने आपको नहीं कर सेंड किया है, वो कार्ड नंबर वो आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा। जी, ओ ऐसा हुआ, वो बहुत उन्होंने बोला, मैंने उनको कॉल किया था बट सर मेरे फ्रेंड को नहीं मिला है, मेरे फ्रेंड को भी दिखा रहा है वो करेगा, वो बोला सर आपको प्री अप्रूव ऑफर मिली थी अच्छा, इसलिए आपको मिला है। आपका सिटी कौन सा है? शेवगांव, अच्छा, देवगांव। शेवगांव, शेवगांव अहमदनगर में आता है सर, अच्छा, शेवगांव, केव गांव। केव गांव, ओके। तो आप शेवगांव में जैसे सर कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अर्बन में रहते हो या सिटी, गांव देहात कहाँ पे रहते हो? सर मैं अभी तो रूरल एरिया में हूँ। अच्छा, ओके। तो आपको मिला, तो आपने अपना आपका अकाउंट है HDFC बैंक में, हाँ सर, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है ना सर। तो आपने कितना बैलेंस मेंटेनेंस किया था? तो वैसे तो मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन होते रहते, अभी तो मेरे अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं है। वैसे क्या होता है उनका क्राइटेरिया के ना सर, जो मेरा जो अकाउंट है ना वो 20 2,500 रुपीज मेंटेन वाला है, ओके। अच्छा, बट मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। तो आपका सिविल कितना है? मेरा सिविल लगभग 780 तक है। हाँ, तो 770-780 तक तो कार्ड बैंक दे ही देता है। वैसे HDFC हाँ बैंक काफी लोग कार्ड दे रहा है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कार्ड मेरा डिक्लाइन हो गया है। काफी लोग बोलते हैं कि हमारा कार्ड बहुत दिन से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई प्री अप्रूव ऑफर नहीं आ रहा है। तो लोगों को ये लगता है कि हमें ऑफर नहीं मिलेगा, हमारा सिविल अच्छा है, तो ये सब लोग अपने हाँ मन में गलत विचार सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ऑफर दें और किस टाइप का ऑफर दें। तो लिमिट कितना मिला है लिमिट आपको? मुझे मिला है लिमिट सर, उन्होंने बताया मेरे को 80 75,000 का। ओके, अभी शुरू शुरू में आपको लिमिट कम मिला है, वैसे आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बैंक पहले शुरू शुरू में कस्टमर को आजमाता है कि ये पेमेंट टाइम पर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। चलिए, अच्छी बात है, बधाई हो, आपको कार्ड मिल गया है। और लोगों को, काफी लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि HDFC बैंक कार्ड बहुत 23 लोगों को दे रहा है। अच्छी बात हाँ है। मैं बहुत दिन मुझे भी लगता था, मैं आपकी वीडियो देख रहा था बट मुझे लगा ऐसे करके कुछ होगा वैसा, बट ऐसा होता है जब मैंने प्रॉपरली जब वीडियो देता ना यूट्यूब पे, बेसिकली सब ऐसी डिटेल, आप आपका जो वीडियो वाला था ना ये अप्रूव वाला, जी तो ऐसे ही बहुत सबके वैसे ही ऐसे ही वीडियो आ रहे थे ऐसा करो वैसा करो, बट मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मुझे जब मैंने वो बैंक जाकर पूछा था ना उन लोगों से, तो उन्होंने बोला था सर आपको ऑफर मिलेगी तो हम आपको बता देंगे कॉल करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो अप्लाई कर जो डिक्लाइन होगा ना, डिक्लाइन हो होने के बाद आपको जल्दी ऑफर नहीं मिलती, जी ऐसे बोला था उन्होंने। उन्होंने बोला सर आपको मिल जाएगा आपको, और मेरी एज भी सर अभी तो 20 20 ईयर ही, ज्यादा ओहो, भी नहीं। आपकी 20 तो
तो आपको इतने कम उम्र में कार्ड मिल गया। काफी लोग डरते हैं कि हमारा 21 है, 25 है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो, बैंक और कस्टमर के बीच की बात होती है। बैंक कस्टमर का रिकॉर्ड देखता है, अगर कस्टमर बैंक से अच्छा व्यवहार बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ सिटी का भी इसमें रोल होता है, पिन कोड का भी रोल होता है, तो काफी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, निराश होते हैं। तो HDFC बैंक अभी कार्ड लोगों को दे रहा है, लोगों को इस बात पे पूरा यकीन नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि हमने अप्लाई किया, हमारा डिक्लाइन हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हुआ, डिक्लाइन हो गया। तो बैंक की कुछ पॉलिसी अलग होती है हर बैंक की। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको कार्ड मिल गया, बहुत खुशी हुई मुझे जो है। तो आप जो है चाहते हैं कि मैं आपकी बात लोगों तक अपने यूट्यूब से पहुंचाऊं, लोगों को आपकी बात सुनाऊं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप परमिशन देते हैं मुझे? हाँ सर, दूंगा चलिए, मैं आपको। तो चलिए मैं आपकी इस बात को अपने हमारे और आपकी जो बात हुआ है मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ, कि लोगों को मालूम पड़े कि बैंक कार्ड देता है, और जो लोग निराश होते हैं उनको एक शायद सीख मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगा। ओके, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके सर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना इससे? नहीं नहीं सर, उसमें तो कुछ नहीं है। आप मैं आपने मैंने आपको इसलिए भेजा कि जब मैं YouTube पे वो चेक करता हूँ ना, जब मुझे बस बेसिकली डिटेल वीडियो की मिल रहे थे, ये अप्रूव मिला, ऐसा मिला, आपको कॉल आएगा, ऐसा वेरिफिकेशन होगा, बट मुझे उसमें कुछ यकीन नहीं है। बट मैंने इसलिए आपको सेंड किया कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और मुझे लगा ये आपको बताना जरूरी है और लोगों को भी बताना जरूरी है। मैंने कुछ कमेंट देखे आपकी वीडियो की, वजह से ऐसा हुआ, डिक्लाइन हुआ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है सर। जो ऑफर मिलता है ना, सबको सबको देता है वो, यही देखते बैंक तो बहुत बस वही अच्छा चीज बैंक है है। ना, लोगों को अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि मेरा 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। मैंने काफी लोगों को बताया है, समझाया है कि देखो, बैंक और कस्टमर के बीच की बात होती है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कार्ड कोई दिलवा नहीं सकता। बैंक जो आपको कार्ड देता है, आपके व्यवहार, आपके डॉक्यूमेंट, आपका जो ट्रांजेक्शन है, उसी की वजह से बैंक देता है। कोई आपको नहीं दिला सकता है, मैं आपको कार्ड नहीं दिला सकता हूँ, सिर्फ आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे नहीं नहीं सकता हूँ, नहीं समझे दे ना? ओके क्योंकि ये सर, आपका आ व्यवहार अच्छा मेरे था। जी, बताइए। मेरे दोस्त ने भी मुझे कमेंट किया, मेरे दोस्त ने भी बोला था मुझे मुझे चाहिए ऐसा वैसा, हम कुछ ऐसा तैसा। मैंने बोला वो आपको ऑफर मिलेगा तो आपको सीधा कॉल आएगा। उन्होंने वो ट्राई किया बट नहीं मिला, उनका वेरिफिकेशन हुआ वो ये अप्रूवल। उन्होंने फिर से वो जो नेट बैंकिंग में जो ऑफर नहीं दिखता है क्या वो ये ऑफर क्रेडिट कार्ड लोगों को नेट वो? बैंकिंग में ही शो करता है, और जिनको ऑफर रहता है सामने से कॉल भी आता है, और कभी कभी हाँ कॉल नहीं आता है और वहां पे शो करता है, तो वहां पे सारा डिटेल्स पहले से बैंक फिल के रखता है। क्लिक करोगे, एक हाँ OTP आएगा, सबमिट करोगे, आपका वहां से डिस्पैच कर दिया जाएगा 3 वर्किंग डे में। चलिए, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो आप कार्ड का बिल टाइम से पैड करना, आपकी लिमिट बहुत जल्दी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि बैंक का सिस्टम है कि अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपका जो कार्ड का लिमिट है वो बढ़ने का चांस रहता है। 30 से 35% खर्च करना, अधिक कार्ड मत खर्च करना, नहीं तो इससे सिविल प्रॉब्लम पड़ सकता है। ओके, तो ओके सर, चलिए, थैंक। हम लोगों को आपकी बात पहुंचाएंगे, और लोगों को इतना विश्वास हो जाए कि निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कार्ड तो जरूर अगेन मिलेगा। ओके, जरूर मिलेगा। ओके सर। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।